बलिया जनपद के रेवती थाना क्षेत्र में पियरोटा गांव में झाड़ी में एक युवक का शव 28 नवंबर को मिला था, जिसकी शिनाख्त परमेश्वर शर्मा पुत्र सत्यनारायण शर्मा के रूप में की गई। इस हत्या के मामले में पुलिस ने एक टीम का गठन कर छानबीन शुरू की थी, जिसके बाद टीम को घटना के आरोपी अनूप कुमार सिंह को कुआ पीपर के पास एक गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में अभियुक्तों ने न सिर्फ अपना जुर्म कबूल किया है बल्कि पुलिस को पूरी कहानी भी बताई है। 28/11 को ग्राम पिरोटा थाना रेवती पे एक अज्ञात शव मिला था, अर्ध जलीय अवस्था में, और जिसे जानवरों के द्वारा आधा हिस्सा उसका खा लिया गया था, जिसकी पहचान कराने पे बाद में परमेश्वर शर्मा के नाम से उसकी पहचान हुई। बाद में SOG और थाना रेवती और क्राइम ब्रांच ने मिलकर इस घटना को वर्कआउट किया है। घटना के पीछे अवैध संबंधों के होने की बात प्रकाश में आई है, जो सत्यापित भी हो गई है। इस अभियोग में जिन दो अभियुक्तों ने घटना कारित की थी उनको गिरफ्तार कर लिया है। उन दोनों अभियुक्तों के नाम अनूप पांडे पुत्र विश्वमित पांडे व अनूप कुमार सिंह पुत्र प्रेम नारायण सिंह है। विधिक कार्रवाई की। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर मृतक की ग्लैमर मोटरसाइकिल को भी बरामद किया है। पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया है। इस घटना ने एक बार फिर से दोस्ती के रिश्ते पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बलिया से उमाकांत विश्वकर्मा, पब्लिक न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।